Ladies and gentlemen, seated with us on the dais this morning is Dr. Chandrasekhar Kumar, Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj. May I now request him to kindly deliver the keynote address on Panchayat Development Index to measure the incremental progress towards the achievement of localization of sustainable development goals. Please put your hands together and give a warm welcome. Honorable Minister of State Panchayati Raj and Chief Guest of this occasion, Sri Kapil Murasur Patilji, Honorable Secretary Panchayati Raj, Sri Sunil Kumar Ji, our esteemed guest and the Chief of the Chairperson of the PDI Committee, Madam Jesse Raghunandan Madam, Srimati Radha Sri Ji, Sri Vikas Anand Ji, Sanjay Ji, Behra Ji, my esteemed colleagues from ministry, various ministries, estates, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be part of this August House and this significant occasion of launching the PDI today, which has come after a huge effort, almost more than a year. एंड ऑलरेडी विकास जी ने आपको काफ़ी इसकी सूचना दी कि पीडीआई में क्या है, तो मैं आपको थोड़ा उसके पीछे थोड़ा ले जाना चाहूँगा कि ये कैसे आया पीडीआई की. तो ये एक नेचुरल आउटकम है. जब हमारा लॉन्च हुआ था, आपको पता है नवंबर 2021 में एलएसडीजी की रिपोर्ट, तो उसके बाद से एलएसडीजी के बाद से फिर हम लोगों ने थीमेटिक जीपीडीपी का कार्यक्रम एक साल चलाया और उस पर अभी आप लोग सब उसके पार्ट हैं और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है. एंड सो फार ऑलमोस्ट 2 लाख पंचायतों ने थीमेटिक जीपीडीपी भी उस पर काम किया है आप लोगों ने. उसमें थोड़ी बहुत इश्यूज हैं लेकिन उसको और मुझे लगता है कि आप अच्छा करेंगे हम आगे दिनों में. फिर उसके बाद विगत वर्षों में एलएसडीजी थीमेटिक रिवैम्प्ड अवार्ड सिस्टम भी आया, तो ये सारा एक ही पार्ट था. और उसमें भी आपको पता है कि जैसे पहले 20,000-25,000 पंचायत पार्टिसिपेट करते थे, बट इस बार 2.5 लाख पंचायतों ने. तो मैं उसके लिए आप सारे स्टेट को आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल द स्टेट्स फॉर देयर ह्यूज एफर्ट, अदरवाइज विदाउट योर पार्टिसिपेशन इट नॉट हैव बीन पॉसिबल. सो और मुझे उससे काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जब ये जब हम एलएसडीजी की जीपीडीपी हम करीब 2 लाख का बना चुके हैं और जब एलएसडीजी रिवाइम्ड अवार्ड सिस्टम भी 2.5 लाख पंचायतों का बन चुका है, 2.5 लाख पंचायतों ने पार्टिसिपेट किया है, देन वी आर गोइंग टू पीडीआई. एंड इट्स ए वेरी डाटा इंटेंसिव वर्क एंड विच रिक्वायर्स एफर्ट एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस ह्यूज नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड जो 29 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो उनकी सब डाटा लाना, तो उसमें मेहनत तो जरूर है और उसके लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो काम दिक्कत नहीं है. कहे कि जब ये दो काम हम लोगों ने 1 साल 1.5 साल 2 साल में कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जब आने वाले जब मार्च अप्रैल तक हम पहले फर्स्ट जो बेस लाइन जब हम पीडीआई पब्लिश करने जाएंगे तो निश्चय ही बहुत प्रगति होगी. एंड विकास ने जैसे ही बताया कि अब वो जरूरी आ गया है कि अब हम ना एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करें, डाटा सपोर्टेड. वो लेट्स नॉट गो ऑन प्लानिंग ऑन पंचायत कि भाई वो पंचायत कैसा कर रहा है, उसको किस सेक्टर में काम करना है, इन व्हिच सेक्टर दे शुड डिप्लॉय मनी, बिकॉज वी हैव वेरी स्कार्स रिसोर्सेस. द रिसोर्सेज शुड गो इन द फील्ड इन व्हिच द पंचायत इज स्लाइटली लैगिंग, सो दैट वी नो वी हैव अ कमिटमेंट टू अचीव आवर एसडीजी गोल्स बाई 2030. 2030 is not a deadline, but of course we should be making progress in that direction. Saturation doesn't mean 100%, but at least we should be seen moving. अगर कोई पंचायत अभी 50% में है, तो at least ये जो पीडीआई से आपको पता चलेगा कि अभी हम 50% में 40% में कहां पे हैं. So we should be making road map कि 50% से 80% कैसे जाए. So this PDI will help you. So if you are able to publish our PDI by 2024 March and April, we have 6 years ahead. Making planning, we have thematic, we are having all the 570 indicators, we have thematic ranks in various fields, and we can plan, we can give priority to which sectors we should deploy resources, and uske liye further hum log bhi various ministry ke jo flagship karyakram hai. So because ultimately see, this LSDG is not basically a new karyakram and new deployment of funds, it's only basically convergence of resources of all ongoing flagship programs, and we have to only ensure that those flagship programs are their knowledge is in panchayat. अभी problem क्या है कि पंचायत को पता नहीं है.
काम तो पंचायत में हो रहे हैं, पता ही नहीं उनको ये 22 कार्यक्रम जो हम लोगों ने चिट्ठी बार बार लिखे, कम से कम ये जो 50-60 फ्लैगशिप का छोड़ दीजिए, कम से कम जो 22 फ्लैगशिप कार्यक्रम है उसकी सूचना पंचायत को मिले, उसकी जो रिसोर्स एनवेलप है, उसका जो डाटाबेस है, उसकी जो आपका बेनिफिशियरी लिस्ट है, असेट है, वो सारी जीपीडीपी में रिफ्लेक्ट हो। तो एटलीस्ट इस बार के जीपीडीपी में हम देख रहे हैं कि कम से कम 30-40% पंचायतों में वो आ रहा है, कुछ पंचायतों में कमी है, लेकिन हम आशा करते हैं कि अगले बार जब हम जीपीडीपी बनाएंगे तो कम से कम 80-90% पंचायतों में वो सारा रिसोर्स एनवेलप आएगा और वो फिर पंचायतों को भी जानकारी होगी कि क्या होगा। एंड धीरे धीरे इसका भी नेक्स्ट है, जब ऑडिट ऑनलाइन अब जब कर रहे हैं तो हमको भी उस दिशा में प्रगति करनी होगी, ये सारे रिसोर्स एनवेलप को भी पंचायतों की जानकारी हो और वो भी उसका पार्ट हो, है ना। तो मैं ज्यादा अभी नहीं टाइम लूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये काम बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक चीज सूचना मैं आपको जरूर दूंगा कि अभी 1 साल से 1.5 साल से हम लोग वेरियस मिनिस्ट्री के साथ डाटा पूलिंग के लिए काम कर रहे हैं और मुझे ये सूचना देने में बहुत खुशी हो रही है और मैं उन मिनिस्ट्री के अधिकारियों को, उनके एनआईसी टीम को और उनके जो भी हैं जो सहयोग किए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी तक हमने करीब 17 कार्यक्रम जो है, 17 स्कीम के करीब 17 करोड़ बेनिफिशियरी की डाटा हमारे ईजीएस पोर्टल में आ चुकी है। मैं 2-4 सूचना दूंगा, जैसे कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर के करीब 97,000 पंचायतों की डाटा हमारे पास आई है, जल जीवन मिशन के करीब 85,000 पंचायतों की डाटा आई हुई है, मनरेगा के करीब 1,75,000 पंचायतों की डाटा आई हुई है, एनएसएपी के करीब हमारे 1,80,000 पंचायतों की डाटा आई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पीएम किसान सम्मान निधि के 2,00,000 पंचायतों की डाटा आई है और उनके 9 करोड़ बेनिफिशियरी की लिस्ट हमारे पास आई हुई है और इसको हम जीपीडीपी में पॉपुलेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो समग्र शिक्षा अभियान है उनके करीब 25,000 पंचायतों के डाटा आए हैं और एनिमल हस्बेंड्री के करीब 2,18,000 पंचायतों के डाटा हमारे पास आए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है उन्हें करीब 2,50,000 पंचायतों के डाटा हमारे पास आए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ हमारा कार्य चल रहा है, लेकिन उनकी जो बेसिक जो डाटा है हॉस्पिटल्स पीएससी के करीब 1,00,000 पंचायतों के, बट अदर फ्लैगशिप कार्यक्रम पे वी आर वर्किंग विथ ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड इन कमिंग डेज वी रिक्वायर ह्यूज कोऑपरेशन फ्रॉम देम। लेकिन मेरी 2-3 रिक्वेस्ट रहेंगी स्टेट के साथ कि ये जो डाटा का बेस है ये केवल हमारे यहाँ पे नहीं आएगा, हम लोग जो पुलिंग कर रहे हैं वो आपको एक पंचायत लेवल से ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो जैसे हम लास्ट 3 साल से बोल रहे हैं, प्लीज सेट अप योर बीपीआरसी, डीपीआरसी, एसपीआरसी एंड एसआईआरडी, स्ट्रेंथन देम, फैकल्टी डिप्लॉय करें, तो उनके साथ जो बीपीआरसी है प्लीज ऑल्सो पुट ए डाटा मैनेजमेंट यूनिट देयर इन बीपीआरसी एंड डीपीआरसी एंड एसपीआरसी, बिकॉज उसके बिना ये जो हम पीडीआई का कार्यक्रम अगले 6-7 महीने में करने का सोच रहे हैं वो थोड़ा अच्छा वो हो नहीं पाएगा और दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन पीडीआई, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रिपेयरिंग गुड जीपीडीपी एंड ऑल्सो दैट विल हेल्प इन द रिवाइव्ड अवार्ड सिस्टम। तो ये सारा चीज जो है माई रिक्वेस्ट स्टेट के साथ रहेगी एंड मिनिस्ट्री के साथ भी रहेगी कि आपके जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फील्ड वर्कर्स हैं पंचायतों में, प्लीज आस्क देम टू इंश्योर दैट द डाटा इज मेड अवेलेबल टू पंचायत ऑफ ऑल द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इन वेरियस इंडिकेटर्स एंड द स्टेट हैज टू टेक सम इनिशिएटिव इन स्ट्रेंथनिंग बीपीआरसी, डीपीआरसी, एसपीआरसी कपल्ड विद द डाटा मैनेजमेंट यूनिट्स देयर, बिकॉज दैट विल हेल्प। फिर डाटा केवल देने से नहीं होगा, पंचायत में कुछ भी डाटा आ जाए उसको हम आगे बढ़ा दें तो यू नो द क्वालिटी ऑफ डाटा को वेरियस लेवल पे उसको चेकिंग एंड फिल्टरिंग करनी है हमें। तो आई थिंक दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। एक चीज मैं बोलना भूल गया कि अभी ऑलरेडी महाराष्ट्र के 35-30 पंचायतों ने ऑलरेडी 570 इंडिकेटर का डाटा कलेक्शन किया है, तो मैं उनकी जो टीम पे, उनके जो जितने अधिकारियों ने काम नहीं किया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये बहुत अच्छा एफर्ट उन्होंने किया है, वो करीब 3-4 महीने उनके लगे, लेकिन दे हैव कंप्लीटेड, ईच पंचायत हैज कलेक्टेड 577 इंडिकेटर। तो ये काम दिक्कत नहीं है, ये आप सब सारे लोग कर सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की जो हमारी वर्कशॉप है, हमारे लीडरशिप है, हमारे मंत्री साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं और आप सारे लोग हैं, उनके कोऑपरेशन से हम निश्चय ही आगे, और सारी मिनिस्ट्री के जो हमारे हैं उनके कोऑपरेशन से हम निश्चय ही इस पीडीआई को अगले मार्च अप्रैल तक एटलीस्ट एक पहली जो संकलन है जरूर पब्लिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।